इस सो मैच टीम एफ 14 दादा और सनील ड्रैगन के बीच 4.5 की केडी, देखते हैं कौन जीतता है। इंटरेस्टिंग मैच है बहुत ही, और ये फायर 14 दादा को लिटा दिया भाई, लिटा दिया। बहुत टाइम बाद टीम 14 दादा खेल रहे हैं हमारे साथ, देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। ओ दोनों ही बहुत ही लो, टीम 14 दादा पूरे फुल हील हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक की लीड है, और ये फायर किया। देन अगेन सनील ड्रैगन कवर में जाते हुए, और ये फायर आ गया, मारा इन्होंने इसको, 1-1 की बराबरी पे मैच। टीपी पी लेते हुए दोनों प्लेयर, देखते हुए कौन किधर है। स्पॉट कर लिया सनील ने 14, उन्होंने भी स्पॉट कर लिया। टीम 14 दादा पीक लेते ऊपर से, मिल गया है बट कवर में है, नहीं लगेगी। रिलोड करते हुए आगे जाते हुए, लेट्स सी, स्लाइड करके मारने की कोशिश, जंप एंड शूट, 2-1, अच्छी फाइट देते हुए। इससे पहले 14 दादा को मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, 2-1 हो चुका है। देखते हैं कौन जीतेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। स्लाइड करते हुए ढूंढते हुए स्पॉट करने की कोशिश, राइट साइड में है, वेयर हाउस के अंदर है, सामने स्पॉट कर लिया होगा, आई थिंक अब फायर कर दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हुए नेट करेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, देखते हैं क्या पूरा खर्चा कर पाते हैं इस बारी, 2-2 की बराबरी हो पाती क्या। टीपीपी लेते हुए आगे बढ़ते हुए, मारा नहीं मार पाए, जिगल शॉट, देन अगेन जंप एंड शॉट, अरे 3-1। सनील ड्रैगन बहुत ही अच्छा गेम का प्रदर्शन करते हुए, टीम 14 दादा पता नहीं इतने दिनों तक किन लोगों के साथ खेले, उनका गेम थोड़ा सा बिगड़ सा रहा है, लय में नहीं दिख रहे हैं, फॉर्म में आने में थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक। अब ये सनील ड्रैगन घूम रहे हैं, पूरा घूम चुके हैं, राइट साइड में है बल्कि, अरे ढूंढते रहेंगे। अब इन दोनों अब स्पॉट हो गए, अब होगा फिर से फाइट, स्लाइड इन, थोड़ा सा डैमेज, स्लाइड करके मारा, 3-2, 1-1 की लीड, 6.5 मिनट बचे मैच में। अब सनील ड्रैगन आगे बढ़ते हुए, टीम 14 दादा टीपी पी लेते हुए, स्लाइड करके आगे बढ़ते हुए, देखते हैं क्या होता है, कैसे मारते हैं, आगे बढ़े हैं, स्पॉट नहीं करा, अभी आएंगे वेयर हाउस के अंदर से, दिख गया फ्री फायर, ये मारा, वाह बहुत अच्छा शॉट, 3-3 की बराबरी पे मैच। काफ़ी लंबा चल रहा है मैच, उम्मीद तो नहीं थी, और अगर सनील हार गया तो प्रोलॉग इसको इंस्टा पे स्टोरी पे लगा देगा। बहुत ही इज्जत का सवाल है सनील ड्रैगन के लिए, टीम 14 दादा से हारना नहीं है डेनी कोस, टीम 14 दादा हराना चाहेंगे क्योंकि उनको भी हारना पसंद नहीं है, तो इस कोई ना कोई तो हारेगा, मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए बस। कवर में आते हुए टीपी भी लेने की कोशिश करते हुए, और वो फायर करते हुए, लेट्स सी, ढूंढ रहे हैं कोई वीक पॉइंट मिल जाए, ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ रहे हैं, अभी तक उनका नहीं मिल पाया है। टीपी भी लेते हुए वो भी, ओ बहुत बढ़िया, 4-3 की लीड ले लिया टीम 14 दादा ने। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ टीम 14 दादा को अच्छी फाइट मिल रही है, लेट्स सी क्या होता है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हुए, जंप एंड शॉट खर्चा कर दिया, 5-3 लीड ले लिया है, बहुत अच्छा। पीछे ही हो गए हैं सनील, ओ 5-4, बैक फुट पे आ चुके हैं, टीपी भी लेते हुए, लूट करने का इतना ज़रूरत नहीं है।
आगे बढ़ते हुए। टीम 14 दादा ने स्पॉट खाला, नेट भी कर दिया, वहाँ से फ्री फायर भी मार ले। आगे बढ़ते हुए वन वी वन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बंदे को घूमते ही रह जाते हैं और फायर काफ़ी डैमेज है, अगर पुश कर देंगे तो पूरा किल कर सकते हैं। ओनली 20 HP लेफ्ट है उनका, वो हील कर रहे हैं। अगेन बहुत बढ़िया 6-4। कभी कभी तो लगता है टीम 14 ज़्यादा हैक करके खेलता है, उनको गोली ही नहीं लगती है, इतना फास्ट खेल रहे हैं। देन अगेन जंप एंड शूट, और सुनील के शॉट्स मिस, क्या बात है, शॉट्स कैसे मिस होगा भाई, ये बहुत ज़्यादा जिगल जिगल सर चकरा गया मेरा, इतना जिगल जिगल करने की आदत नहीं है। यू फायर स्पॉट कर रहे हैं कि किधर है, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, एकदम पीछे चले गए कंटेनर के पीछे। नाउ अब देखो सामने आ जाएंगे, अब देन फायर होगा। लेट ओ लेटने की स्ट्रेटेजी काम नहीं आई सही, बट स्टिल लीड में तो है ही 5-7, 3 मिनट बचे हैं मैच में। आगे बढ़ते हुए, अरे किल कर दिया, वाह तो पता ही नहीं लगा मेरे को, आई थॉट वो बच गए स्लाइड करके। 5-8, 3 किल की लीड है, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स लेफ्ट टू फिनिश द मैच। जंप एंड शूट, सनील अब थोड़ा सा TPP लेने लग गए हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं काफ़ी, मे बी हारने का डर बहुत लो है। सनील 2-3 बुलेट्स लगेंगे, नॉक हो जाएंगे। किल या 5-9 की लीड, थोड़ा सा बैक फुट पर आ गए आई थिंक, अग्रेशन थोड़ा दिखा सकते हैं, 1v1 है, थोड़ा सा पुश करके खेलना चाहिए। और ये साइन देते हुए कि ये लेफ्ट साइड पे हैं, टैप टैप फायर देते हुए कॉल कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे रूम में आ जाओ मारने मेरे को। और इधर मेरे क्लाइंट की भी ईमेल आती है, पागल हो गया क्लाइंट, इधर इंटरनेट रेस्टिंग में चल रहा है उसका ईमेल आ रहा है। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में दादा, लेफ्ट साइड में आई थिंक साउंड का सेंस से नहीं खेलते हैं, मोस्टली हैंड आई का कांटेक्ट है बस, साउंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं दादा लगता है। 10-5 हो चुका है, अगेन बुला रहे हैं लेफ्ट साइड में उसको फायर करके। लेट्स सी, आ गए, फिर से खर्चा कर दिया 11 खर्च, बहुत बढ़िया शॉट, कहाँ 3-2, 3-0 से पीछे थे, अब इन्होंने 6 किल की लीड ले लिए और इजीली मैच जीत जाएंगे, बहुत ही मुश्किल है यहाँ से वापस जीतना। सनील एकदम बैक फुट पर आ गए, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं दादा, दादागिरी पर उतर आए हैं। सनील ड्रैगन एकदम अपने कैंप बेस में चले गए हैं पीछे, आगे ही नहीं निकल रहे हैं, ऐसा पहले कभी करते हुए देखा नहीं मैंने उनको कि वो इतने ज़्यादा बैक फुट पे होके खेल रहे हैं, बहुत अग्रेसिव प्ले रहे हैं। पर स्टिल उनको डैमेज तो हो ही रहा है, टीपी भी लेते हुए फिर भी पूरा किल कर दिया। देन अगेन 30 सेकेंड लेफ्ट, 20 सेकेंड्स लेफ्ट टू फिनिश द मैच, और ये इजीली मैच जीत जाएंगे दादा 12-5। सनील थोड़ा सा बैक फुट पर आ गए आई थिंक, उनके थोड़ा ऑफेंस को वो ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए, स्पॉट कर लिया, देन फ्री फायर दिया। फिर से किल करा और एक और किल इनके नाम 6-12, मैच फिनिश्ड, वेल प्लेड बोथ टीम्स।